आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है सर्किट। सो फर्स्ट वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज सर्किट। सर्किट मींस व्हाट चिल्ड्रन? सिंपली आई कैन से सर्किट इज सर्किट। सर्किट मींस होता पाथवे, पाथवे व्हाट इज पाथवे। सर्किट मींस पाथवे। इफ इट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, इफ सर्किट मींस होता है पाथवे along which something is traveling, the pathway along which one can travel. Circuit means होता है the pathway along which one can travel, means एक ऐसा pathway जिसके through कोई भी क्या कर सकता हो, flow कर सकता हो, तो उस तरह के circuit, उस तरह के pathway को क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। इफ इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट देन इट बिकम्स क्लियर। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाए तो ये क्लियर हो जाता है। द पाथवे अलोंग व्हिच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट मींस ओनली द पाथवे थ्रू व्हिच वन कैन ट्रैवल, जिसके थ्रू कोई भी उसके थ्रू क्या कर सके, ट्रैवल। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट। तो सर्किट का हमने बात किया। अब सर्किट का भी दो टाइप है, ओपन सर्किट मींस यहाँ पे हम जो भी सर्किट बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट में द पाथवे अलोंग व्हिच वन की जगह पे मैं चेंज कर देता हूँ अलोंग व्हिच इलेक्ट्रिकल करंट कैन पास। ओके सो दिस इज ओपन सर्किट। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस वन द सर्किट थ्रू विच करंट कैन नॉट पास, द सर्किट थ्रू विच करंट कैन नॉट पास इज कॉल्ड ओपन सर्किट और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं इनकम्प्लीट सर्किट। इसको हम दो नाम से जानते हैं, द सर्किट थ्रू विच द करंट कैन नॉट पास इज कॉल्ड ओपन सर्किट और इनकम्प्लीट सर्किट भी कहते हैं। इनकम्प्लीट मतलब ये कैसे हो सकता है, या तो कहीं पे ब्रेक किया होगा या तो दो कनेक्शन आपस में कनेक्टेड ना हो, इस तरह के सर्किट को हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट, और या तो इसको इनकम्प्लीट सर्किट से भी जानते हैं क्लोज सर्किट थ्रू विच करेंट कैन पास इजली is called closed circuit. Closed circuit or is also called complete circuit. वह सर्किट जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल इजीली पास कर सके इज कॉल्ड क्लोज सर्किट और इट इज आल्सो कॉल्ड कंप्लीट सर्किट। दिस इज व्हाट सर्किट। नाउ वी विल टॉक अबाउट सर्किट डायग्राम। नाउ इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। सो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, इस सर्किट डायग्राम
A circuit diagram is a graphical representation. Graphical representation of electrical circuit using the symbols of different components used in the given circuit. A circuit diagram is a graphical representation of electrical circuit using the symbol of different components used in the given circuit. So this is what electrical circuit diagram, मतलब एक circuit diagram ऐसा representation है जहाँ पे हम circuit बनाते हैं कि उस circuit में bulb लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, क्या क्या लगा हुआ है, तो उसको हम क्या करते हैं, graphical representation के द्वारा हम लोग इसको करते हैं. एंड इट इज कन्वेंशनली, इसको काफी ही ज्यादा क्या कन्वेंशनली इसको यूज किया जाता है. मीन्स इट इज वेरी यूनिवर्सल, इट इज प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेरी इजी. सो डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम यूज करते हैं और इनका सिंबल जो है, जैसे अभी आपको बैटरी को लगाना है तो बैटरी का फोटो बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा. अभी आपको जोड़ना है, एक बल्ब जोड़ना है तो बल्ब का, एलईडी बल्ब का बहुत टाइम लग जाएगा उसमें. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग द रियल पिक्चर्स. रियल पिक्चर्स को ड्रॉ करने के बजाय क्या करते हैं, हम डायग्राम को यूज, सिंबल्स को यूज करते हैं, उसके सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं. एंड इट इज वेरी, इसका जो बेनिफिट्स है, बहुत बेनिफिट्स है. ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स है, इजी टू ड्रॉ करना आसान होता है, easy to learn या तो easy to understand, इसको समझना काफी easy होता है, practiced all over the world या तो universally accepted, means accepted all over the world ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया जाता है. तो ये कुछ है. एंड ऑल्सो इट टेक्स वेरी लेस टाइम, वेरी लेस टाइम लगता है हमको. एंड किसी को समझाना भी है, बहुत काफी इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको समझाया जा सकता है. सो दीज आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ द सर्किट डायग्राम. सो नाउ लुक एट द सम ऑफ द सर्किट डायग्राम को हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स के लिए सर्किट डायग्राम. कुछ कन्वेंशनली कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनका मैं डायग्राम बनाऊंगा, सिंबल्स बनाऊंगा और आप देखेंगे. तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ. तो कुछ कंपोनेंट्स का इस्तेमाल देखेंगे. यहाँ पे कंपोनेंट्स एंड सिंबल्स, कंपोनेंट्स एंड सिंबल्स एंड इलेक्ट्रिक सेल. सो फर्स्ट वन एंड इलेक्ट्रिक सेल, एंड इलेक्ट्रिक सेल इज दैट दिस वन. This one the positive and this one the negative side. Okay, this one the positive and this one the negative side. So this one the positive and this one the negative. Positive, a battery. Battery. What is battery? Combination of cell. Okay, battery. It is called. इसको कहते हैं जो battery है,
it is combination of cells, combination of cells को battery कहते हैं। तो चलिए combine कर देंगे, it is always in the series connection। ये हमेशा कैसा होता है बच्चे, सीरीज कनेक्शन में। सो दिस वन द पॉजिटिव एंड दिस वन द नेगेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बैटरी। देन प्लग की, प्लग की वो भी ओपन वाला, मतलब इससे करंट जब फ्लो कर नहीं रहा होगा, इसका ये लगाएंगे प्लग की। ये रहा आपका प्लग की, प्लग की। देन अगेन प्लग की क्लोज्ड, जब प्लग की को क्लोज कर दिया गया हो, प्लग की क्लोज्ड मतलब इसमें सर्किट कंप्लीट होता है। इसमें ओपन करने के लिए मींस इट कैन बी यूज्ड एज ए स्विच। देन वायर जॉइंट, वायर जॉइंट, वायर जॉइंट, वायर विदाउट वायर क्लोजिंग, विदाउट जॉइंट, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट। ये रहा, जब जॉइंट है तो ये इस तरह से, अगर जॉइंट नहीं है तो इस तरह से। देन इलेक्ट्रिक बल्ब, इसको आप लोग ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब रेजिस्टर, रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, इसको हम रियोस्टेट भी कहते हैं, रियोस्टेट। ये बना देंगे रियोस्टेट वेरिएबल वैलेंसी के लिए, सॉरी वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए। नाउ एमीटर, 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 वोल्टमीटर, वोल्टमीटर। तो ये कुछ कॉमन जो डायग्राम दिखाया हमने, ये कुछ कॉमन है जो आपको बिल्कुल यूज करना है। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इन्हीं पे आपको पूरा का पूरा डायग्राम को ड्रॉ करना है। सो This is enough and rest we will discuss next time. Thank you so much.